दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वेलकम टू द नॉलेज टेक चैनल। गाइज आज का ये जो वीडियो है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा, जैसे आपके पास सैमसंग का फ़ोन है, अगर आप सैमसंग यूज़र है तो आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो है ड्यूअल मैसेंजर कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके पास अगर आप सैमसंग यूज़र है तो आपको सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको एडवांस फीचर में जाना है। एडवांस फीचर में जाकर आपको यहाँ पर ड्यूअल मैसेंजर का ऑप्शन दिखाई देता है, ये वाला, इस पर टैप करना है और जिस भी एप्लीकेशन का आप क्लोन बनाना चाहते हैं उस पर आपको टैप कर देना है। जैसे मैं व्हाट्सएप पर टैप कर देता हूँ और वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंस्टॉल ए सेकेंड कॉपी ऑफ व्हाट्सएप, तो मैं यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर देता हूँ कन्फर्म। थोड़ा सा टाइम लग सकता है सेकेंड कॉपी ऑफ व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड, तो अब हम चेक करते हैं। यहाँ पर ये वाली कॉपी आ गई है व्हाट्सएप की, जबकि मेरे पास ऑलरेडी व्हाट्सएप है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं इसे फिर से नए नंबर से साइन इन कर सकता हूँ। यहाँ से मैं नंबर डालूंगा तो यहाँ से मैं वापस से व्हाट्सएप का अकाउंट बना सकता हूँ। तो ये व्हाट्सएप की सेकंड क्लोन कॉपी मेरे फ़ोन में आई है। फर्स्ट वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाला व्हाट्सएप ये रहा, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, और सेकंड वाला व्हाट्सएप ये ऑन है और सेकंड वाला व्हाट्सएप न्यूली इंस्टॉल्ड है। तो गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज़। थैंक यू गाइज़।